comparison based examples regarding void pointers. First case first के case में total three different types के variable के लिखे हैं, character, integer and float. Similarly three different types के variable के addresses को store कराने के respect में, again pointers भी कितने create किए, there are three pointers having different data type. P का type है char star, P के अंदर A का address run करना possible है. Same as Q का type क्या है int star, Q के case में integer type का address run कराना possible. Same as R के case में float type का address store कराना possible है. Means सबसे पहले P में असाइनमेंट किया, P का भी टाइप क्या है कैर स्टार, रेड डेस्क का भी टाइप क्या है ऑल्सो कैर स्टार. सेम एम से सारे असाइनमेंट्स कैसे हैं, वैलिड असाइनमेंट्स. लेकिन अगर फर्स्ट एग्जांपल को सेकंड एग्जांपल से कंपेयर किया जाए तो इस केस में अगेन थ्री डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, कैरेक्टर, इंटीजर एंड फ्लोट. लेकिन इस केस में टोटल पॉइंटर वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड हुए हैं, ओनली वन पॉइंटर इज सफिशियंट. मीन्स प्रीवियस फर्स्ट और सेकंड केस में अगर प्रॉपरली कंपैरिजन करो तो इस केस में टोटल पॉइंटर्स कितने रिकॉर्ड हुए, थ्री पॉइंटर वेरिएबल्स. मीन्स अगर एक सिंगल वेरिएबल का साइज टू बाइट है, देन थ्री पॉइंटर्स का साइज क्या होगा, थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई बाई थ्री मीन्स सिक्स बाइट्स, इट विल टेक्स सिक्स बाइट्स. लेकिन सेकेंड केस में ओनली सिंगल पॉइंटर सफिशियंट, इसलिए टोटल साइज पॉइंटर्स के रिस्पेक्ट में कितना साइज रिकॉर्ड, ओनली टू बाइट्स इज सफिशियंट. नेक्स्ट वन, फर्स्ट केस में पी में असाइन करा है एड्रेस ऑफ ए, ए मीन्स कैरेक्टर टाइप ऑफ एड्रेस मीन्स वैलिड असाइनमेंट्स. सेम एस अगेन आफ्टर यूजिंग दिस एड्रेस, देन सेकेंड टाइम अगेन पी में क्या असाइन किया है, इंटीजर एड्रेस. सेम आफ्टर यूजिंग दिस इंटीजर एड्रेस नेक्स्ट अगेन पी में असाइन किया एड्रेस ऑफ सी मीन्स फ्लोट एड्रेस. मीन्स ये सारे के सारे असाइनमेंट्स कैसे हैं, वैलिड, बिकॉज पी इज अ वॉइड पॉइंटर और जेनरिक पॉइंटर, दैट्स व्हाई इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ मेमोरी एड्रेसेस. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू केसेस.